Hello, welcome back students. So we have started with our second chapter of science part 1, that is periodic classification of elements. In it we have seen about the different classification methods which was put forward by the Dobereiner, Niederlein and Mendeleev. Now after this we are going to learn about the modern periodic table. जो अभी periodic table हमारे पास है, जो हम refer करते हैं, वो पीरियोडिक टेबल के बारे में अब हम स्टडी करने वाले हैं. सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड आई विल सजेस्ट यू टू कीप द पीरियोडिक टेबल इन फ्रंट ऑफ योर आईज, दैट इज ऑन पेज नंबर 23 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या उसको दूसरा नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये उसका नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या फिर उसको बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके, तो अब हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, और जो अभी तक जितने लोगों ने पीरियोडिक टेबल्स का क्लासिफिकेशन में हेल्प किए हैं, जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, उसमें एक मेजर डिफरेंस ये है दैट ऑल ऑफ दैट वाज डन विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी समझ के क्लासिफिकेशन किया गया था, बट अब एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर को कंसीडर किया जाता है. मैंने डिफरेंस लास्ट लेक्चर में भी बताया है एटॉमिक मास का और एटॉमिक नंबर का क्या डिफरेंस होता है. तो एटॉमिक मास मतलब कि मास ऑफ प्रोटॉन, और जो एटॉमिक नंबर होता है उसका मतलब होता है नंबर, काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नेगेटिव चार्ज स्पेशीज जो बाहर एटम के रिवॉल्व होते हैं उनका नंबर, उनका काउंट, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर. तो हेनरी मोसले जो ब्रिटिश का साइंटिस्ट है, उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स के जरिए एटम्स के अंदर क्या कितनी चीज़ें प्रेजेंट होती है वगैरह, वो सब चीज़ों के अंदर रिसर्च किया. एंड देन ही केम टू नो अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर का कनेक्शन. इसके पहले एटॉमिक नंबर वॉज नथिंग, व्हेन वी पीरियोडिक टेबल तक एटॉमिक नंबर मतलब सीरीज, एटम को एलिमेंट्स को 1, 2, 3, 4 रैंडम नंबर्स दे दो. बट इन्होंने भी फाइंड किया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो है एक्चुअल एटॉमिक नंबर, और उसी के बेसिस पे फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी दिया गया. याद करो जो हमारा मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ था, मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था कि जो भी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज होते हैं इट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस. यहाँ पे एटॉमिक यहाँ पे जो एटॉमिक मासेस था वो है हमारा मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल का लॉ. बट जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसके हिसाब से एटॉमिक मास शुड गेट रिप्लेस्ड विद एटॉमिक नंबर, यही डिफरेंस है. ओके, कि प्रॉपर्टीज ऑफ जितने भी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज होते हैं वो लिटरली उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड होते हैं, ना कि उसके एटम के मास पे डिपेंड होते हैं. और इसी चीज को सामने रखते हुए पूरा पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया गया है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा बना है. ओके, तो फिर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसे है. ओके, तो उसके लिए आई विल सजेस्ट यू टू कीप दैट पीरियोडिक टेबल इन फ्रंट ऑफ योर आईज, सो दैट जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी तुम वो रिलेट कर पाओगे उस टेबल के साथ. टेबल कहाँ पे दिया, पेज नंबर 23 पे दिया गया है तुम्हारे बुक के, टेक्स्ट बुक के. सो व्हाट इट इज सेड कि ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन यू. ग्रुप्स क्या होते हैं, कॉलम्स, जो खड़े वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसे हम कहते हैं ग्रुप्स. एंड पीरियड्स क्या होते हैं, रोज, हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स. तो टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं. लेट्स काउंट इट. ये है तुम्हारा टेक्स्ट बुक का पीरियोडिक टेबल जो दिया गया है. ओके, सो इसमें पीरियड्स कैसे काउंट करेंगे, ये हाइड्रोजन और हीलियम, ये जो आया ना दैट इज योर फर्स्ट पीरियड, इसमें से दो ही एलिमेंट्स है, उसके बाद सेकेंड ये लिथियम वाला, ये दो और उसमें ये यहाँ के एलिमेंट्स आ जाएंगे सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
ओके सो इस तरह से हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स। और इन 7 पीरियड्स के अलावा भी 2 पीरियड्स हैं जो इनको पीरियड्स नहीं बोल सकते, 2 रोज आर देयर एंड दिस 2 रोज आर सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, नीचे प्लेस किया गया है ये 2। हां जो 2 रोज आर एट द बॉटम और उनका नाम क्या है, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। जो पहला है ना LA दिया है ना, उसको कहा जाता है, वो पूरे रो को कहा जाता है लैंथेनाइड सीरीज, और नीचे जो है ना AC इसको कहा जाता है एक्टिनाइड सीरीज। ओके देन लेट्स सी अबाउट द ग्रुप्स, टोटल कितने ग्रुप्स कहा गए, कहे गए 18 ग्रुप्स। ग्रुप्स आर दिस, देखो नंबर ही दिया ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड ये हो गया हमारा 18। तो इस तरह से पूरे पीरियोडिक टेबल में 7 हमारे पास पीरियड्स है, 18 हमारे पास ग्रुप्स है, 2 एक्स्ट्रा रोज है लैंथेनाइड एक्टिनाइड जो पीरियोडिक टेबल के नीचे प्लेस किए गए। आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। फिर ये जो बॉक्सेस है ना जिसमें एक एक एलिमेंट प्लेस किया गया है, तो टोटल कितने बॉक्स है, 118 बॉक्सेस आर देयर, 118 बॉक्सेस। और अभी तक वो पूरा फिल नहीं हुआ था, बट नाउ इट इज कम्प्लीटली फिल्ड। तो इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है टिल नाउ, अभी हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। उसमें एक बात ध्यान में रखो, जो 92 पे यूरेनियम है, 92 पे यहाँ पे है वो यूरेनियम, 92 में जो यूरेनियम है वो जो है वो वहां तक जितने भी एलिमेंट्स है ना, दैट ऑल एलिमेंट्स आर नेचुरल, मतलब नेचर हमको मिले हुए हैं। उसके आगे जितने भी एलिमेंट्स है 93 से लेके 118 तक, ऑल दोस एलिमेंट्स आर मैन मेड, रिमेंबर इट, ऑल दोस एलिमेंट्स आर मैन मेड एंड दे आर रेडियो एक्टिव, रेडिएशन एमिट करने वाले एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव है वो। ओके ये हमको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया पीरियोडिक टेबल का। अब इस पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया गया 4 ब्लॉक्स में, और इन 4 ब्लॉक्स को कौन कौन से, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ओके एस पी डी एफ, रट लो इसको, याद कर लो एकदम, हाउ मेनी ब्लॉक्स, 4, ये 4 गए, एस पी डी एफ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ओके फिर ये कौन कौन से है, कौन से एलिमेंट्स एस में आते हैं, कौन से एलिमेंट्स है जो पी में आते हैं, सो ऑन, लेट्स सी दैट। तो एस ब्लॉक में कौन सा ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। लुक हियर, ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप, बस ये दो, इन दोनों को मिला के कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके अभी मैंने कहा था कि फर्स्ट ग्रुप जो होता है उनको अल्कली मेटल्स कहते हैं, और ये जो सेकेंड ग्रुप होता है ना उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऐसे कहा जाता है। फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल्स, सेकेंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, रिमेम्बर इट। जैसे हम इसको कहते हैं ना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को हैलोजन ग्रुप, वैसे जैसे हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेड और इनको जैसे हम कहते हैं जीरो ग्रुप, वैसे इनको भी एक नॉर्मल नाम दिया गया, अल्कली मेटल्स एंड सेकेंड को कहा जाता है अल्कलाइन और मेटल्स। ओके एस ब्लॉक क्लियर, पहला ग्रुप और दूसरा। फिर पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट्स आते हैं, 13 से लेके 18 तक, मतलब कि ये यहाँ पे जो ये बॉक्स है ना 13 से लेके 18 तक, दिस कंप्लीट बॉक्स, ये है हमारा पी ब्लॉक। देखो ऊपर दिया भी उन्होंने, तो ये होता है हमारा पी ब्लॉक। ओके देन डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में आते हैं 3 to 12 ग्रुप, 3rd से शुरू 12 तक, मतलब एस के और पी के बीच में, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो है ना ये, इसे कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके एंड देन नीचे लास्ट में जो ये दो सीरीज बच गई है हमारी, दो रो
जो नीचे दिए गए थे उन दोनों को मिला के लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जिनका नाम है उनको मिला के कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके क्लियर। एस ब्लॉक में आता है फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप। पी ब्लॉक में आते हैं एन में 13 से लेके 18 तक जितने सारे ग्रुप्स हैं वो सारे आते हैं पी ब्लॉक में। डी ब्लॉक एस और पी के बीच में 2 के बाद 3, 13 के पहले 12, 3 से 12 तक डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक में नीचे जो दो सीरीज दो रोज दिए गए लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड वो दोनों को मिला के हम कहते हैं एफ ब्लॉक। और एक बात ध्यान में रखो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अनदर नेम फॉर दैट एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके ये यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो ये जो तुम्हारा पी ब्लॉक है ना ये पी ब्लॉक में फिफ्थ नंबर पे जो बोरॉन दिया है इस बोरॉन के यहाँ से तुमको एक जिगजैग लाइन दिख रही है ब्लैक कलर में जिसको बोल्ड किया गया है। तो वो जिगजैग लाइन जो है ना उसके आसपास जो एलिमेंट्स आते हैं ना उन एलिमेंट्स को कहा जाता है देखो zigzag line in P block elements उसको consider करते हुए आगे का classification है क्या है तो metalloids, metals और non-metals। metalloids कौन से हैं metals कौन से हैं non-metals इनको अलग अलग तो डाला नहीं होगा इनका भी अपना group होगा तो कैसे। okay तो metalloids along the zigzag लाइन क्योंकि जो zigzag लाइन तुमको दिख रही है ना इस zigzag लाइन के आजू बाजू में जो एलिमेंट्स है ना वो होते हैं हमारे मेटलॉइड्स जैसे कि हो गया बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेलुरियम पोलोनियम कि ये आसपास जो है ना zigzag लाइन के ये होते हैं हमारे मेटलॉइड्स। ओके देन मेटल्स कहाँ पे है zigzag लाइन के लेफ्ट साइड पे। ओके तो zigzag लाइन ये है हमारी इसके लेफ्ट साइड में होता है क्या मेटल्स और उसके अभी तुमको कंफ्यूजन लेफ्ट राइट कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट ध्यान में रखो ऑक्सीजन जहाँ आ गया ऑक्सीजन नॉन मेटल है। ओके ऑक्सीजन नॉन मेटल है मतलब इस साइड में ये सारे नॉन मेटल्स आ गए और ये सारे मेटल्स आ गए। ओके आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइस। zigzag line P block में तो zigzag line के आजू बाजू metalloids होते हैं फिर zigzag line के left side में metals और right side में non metals होते हैं। total कितने elements है हमारे 118 और इनको divide किया गया है चार blocks में S, P, D and F block। okay metalloids metals non metals कहाँ पाए जाते हैं zigzag line ये सब P block में। okay clear so this is the structure of your modern periodic table। okay now we will see about the electronic configuration। तो सबसे पहले होता क्या है electronic configuration तो हम कब से देख रहे हैं ना atomic number ये हम पढ़ रहे सुन रहे हैं atom का number मतलब कि electrons उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जैसे कि अगर मैं जनरल ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का एटम का नंबर एटॉमिक नंबर है 8। ऑक्सीजन हैज ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या तो इस एटॉमिक नंबर से ये पता चलता है हमें कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे नेगेटिव चार्ज स्पीशीज कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8। ओके तो इसको डिवाइड करना इसको डिस्ट्रीब्यूट करना तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमें पता है कि एटम जो पहला राउंड लेता है पहला जो उसका शेल होता है हाँ जो ऑर्बिट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग शेल फर्स्ट शेल। तो ऑक्सीजन की फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाए मैक्सिमम हम भर सकते हैं ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके तो टोटल हमारे पास 8 है उसमें से 2 चले गए बचे कितने 6। सेकेंड शेल की
ये कितनी है कैपेसिटी? 8 है, तो 6 हम उसमें डाल सकते हैं, राइट। तो ये जब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की ना, जैसे कि अभी ये हो गया न्यूक्लियस ऑक्सीजन का, तो उसका ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड शेल। फर्स्ट शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन ही डाल सकते हैं और सेकेंड की कैपेसिटी 8 की है, लेकिन हमारे पास 1 तो बचे गए, 6 ही बच गए हैं। तो 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8, मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स ऑफ एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ओके, तो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का क्या रोल है, किस तरह से है, इसका क्या कनेक्शन है, तो वो देखते हैं। तो अब मैंने क्या किया है, ये जो लिया ना हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, अगर तुम नजर घुमाओगे तो ये तुम्हारे फर्स्ट जो ये है ना ग्रुप, पहला ग्रुप, ये सारे पहले ग्रुप के ही एलिमेंट्स है। देखो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम नीचे के नहीं लिए मैंने, ये भी एलिमेंट्स। तो इन सब को हम, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन गया। ओके, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो उसका कैसे करेंगे हम, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, कितने अब 1, तो दूसरे में 1, ठीक है। अब सोडियम का है 11, तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करो, पहले में गया 2, कितने बचे 9 9 प्लस 2 11, है ना। तो नाउ नाउ 9 बच गया, बट सेकंड में हम 9 नहीं डाल सकते, मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है सेकंड की, 8, सेकंड में गया 8 और फिर थर्ड में कितना 1 बचा, कितना भी 8 प्लस 2 10, एक ही बच गया ना, जो बच गया वो लास्ट में। ओके, अब पोटेशियम की बारी, इसमें भी पहले गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 8 8 प्लस 2 10 19 है ना इसका एटॉमिक नंबर, 8 प्लस 2 10, 10 गया, 9 बज गया, 9 बज गया। थर्ड में भी हम मैक्स टू मैक्स 8 डाल सकते हैं, अब कितना बचा 1, तो वो 1 यहाँ पे। ओके, सो अब इसमें तुमको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, व्हाट्स कॉमन यू कैन सी इन दिस, इसमें कॉमन ये है कि सबके जो लास्ट का शेल बचता है, लास्ट का जो शेल होता है उसको वैलेंस शेल कहते हैं, वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 1 1 है, मतलब कि जो हमने एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को पुट फॉरवर्ड किया है, हमारा करेक्ट है, करेक्ट इन द सेंस ये कि हमको सिमिलैरिटी दिख रही होगी वैलेंसीज की, कि पहले ग्रुप, पहला जो ग्रुप है उन सब की वैलेंसी कितनी है 1। ओके, अब ये है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स है, देखो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, सेकेंड ग्रुप। सो सेकेंड ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, इधर ही सेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं। ओके, तो बेरिलियम का कितना है 4 है एटॉमिक नंबर, तो पहले में गए 2, दूसरे में भी गए 2। ओके, 2 प्लस 2 4 हो गया। मैग्नीशियम 12, फर्स्ट में गया 2, बचा कितना 10, 10 बच गया, सेकेंड में डाल दो 8, 8 प्लस 2 अगेन 10, वी हैव 12, 2 लेफ्ट, तो वो लास्ट के शेल में। देन कैल्शियम की बात अगर हम करें, तो पहले में 2 गए, दूसरे में 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18 18 19 20, 2 ही बच गए। हियर ऑल्सो यू कैन सी देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। तो ग्रुप्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो जो पहले का रहेगा ना पूरे ग्रुप का वही सेम रहता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के जरिए से हम ये बताना चाहते हैं। लेकिन ये बात हो गई
लेआउट हियर इज एक एक शेल बढ़ रहा है, हाँ पहला एक ही शेल था, बाद में एक और दो, उसके बाद एक दो तीन, उसके बाद एक दो तीन चार। तो ग्रुप्स में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, वन वन शेल गेट्स एडेड इन इट, हाँ हर एलिमेंट में नया शेल, एक नया शेल ऐड हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी देख लो, पहले था दो शेल्स, देन वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर। शेल मतलब क्या होता है, जो सर्कल जो हम बताते हैं ना उसकी बात करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्रुप्स के बारे में। पीरियड्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कैसे होता है, अब देखो मैंने ये सेकेंड पीरियड की लाइन ली है, जो है ना लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। एक बात इधर नोटिस करने की जैसे और एक है कि हम जब एटॉमिक मासेस की बात कर रहे थे, वो डेसिमल में पॉइंट में एटॉमिक मास हो रहा था, आ रहा था मतलब, एंड उनके बीच का हमने एक नोटिस किया था डीमेरिट्स में कि उनके बीच का जो गैप होता है वो गैप बहुत अनयूनिफॉर्म होता है, इट्स नॉट यूनिफॉर्म। यहाँ जैसे 3, 4, 5, 6 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कोई गैप नहीं है, कुछ भी अभी मुझे पता है लिथियम और बेरिलियम के बीच में कोई एलिमेंट्स नहीं मिलने वाले हैं। वहां पे कैसे था, एक का एटॉमिक मास था 1, तो दूसरे का था 7, तो उसके बाद कुछ 9.5 ऐसा कुछ तो था। तो अभी 1 और 7 के बीच में कुछ एटॉमिक मास आएगा नहीं आएगा, कितने आएंगे एलिमेंट्स नहीं पता था। तो जितने भी डीमेरिट्स थे ना वहां पे, वो सारे वहां पे कवर हो गए हैं। एक और था आइसोटोप्स के बारे में, लेकिन आइसोटोप्स में क्या प्रॉब्लम था कि मतलब उसका डेफिनेशन क्या था आइसोटोप्स का, एटम के जो मास होते हैं वो चेंज होता है, बट एटम का जो नंबर होता है वो क्या है, इट रिमेन सेम। सो हाइड्रोजन पहले पे प्लेस किया, ड्यूटेरियम भी यहीं पे आएगा, तो आइसोटोप को प्लेस करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हम एटॉमिक मास कंसीडर ही नहीं कर रहे, हम यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम एटॉमिक नंबर कंसीडर कर रहे, पर एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होता आइसोटोप में भी। ओके, सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। एक प्रॉब्लम जो सॉल्व हुई भी, वो हाइड्रोजन का पोजीशन को लेके एक्सप्लेनेशन वो अभी तक नहीं मिला है, बट स्टिल वी प्लेस इट इन द फर्स्ट ग्रुप, उसको फर्स्ट ग्रुप में ही प्लेस किया जाता है। एंड और एक था उसमें मेंडेलीव्स केस में डीमेरिट, कोबाल्ट और निकल, इनके एटॉमिक मासेस सेम थे, राउंड फिगर 59 59 दोनों का, कोबाल्ट का भी और निकल का, बट अभी अगेन हमको एटॉमिक मास कंसीडर ही नहीं करना, हमें एटॉमिक नंबर कंसीडर करना है। एंड एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आता है समथिंग 29 और निकल का आता है 30, नियॉन 2 प्लस 2.8,
तो इस तरह से हम एटॉमिक नंबर्स को हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर लिए। तो नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक एक शेल ऐड नहीं हुआ है, तो यहाँ क्या चेंजेस तुमको दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? तो यहाँ सेम शेल है, बस एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते गया है। यहाँ शेल ऐड हो गया था, इसको समझ लो। डिफरेंस क्या है, वो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद पहला शेल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स, फिर दूसरा शेल जिसमें आठ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो पहले हाइड्रोजन के लिए सिर्फ एक ही शेल था, लिथियम के लिए दो शेल्स आ गए, सोडियम के लिए एक और शेल बढ़ गया। तो इस तरह से शेल्स इंक्रीज हो रहे थे ग्रुप्स में। पीरियड्स में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, शेल वही है, कितना है सेकेंड, है ना, दो शेल सी है सारे में। लेकिन क्या हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते गए। जैसे पहले एक ही इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बाद में कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, दो इलेक्ट्रॉन, वन मोर ऐड करो, प्रोटॉन की बात की तो तीन इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, कार्बन फोर इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन फाइव इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन सिक्स सेवन एंड एट, तो फिर सिक्स, फिर फ्लोरीन के लिए सेवन और नियॉन के लिए एट, हमारा जीरो ग्रुप देखो आठ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि स्टेबिलिटी पे पहुंच गया, स्टेबल है, जीरो ग्रुप बताया था ना, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप्स में और पीरियड्स में, ठीक है। ग्रुप्स में एज वी गो फ्रॉम अप टू डाउन, जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव होते हैं, नया एक एक शेल ऐड होते जाता है, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें सेम होता है, ओके। और पीरियड्स की अगर हम बात करें तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो यहाँ पे सेम शेल में सेम ऑर्बिट में नया एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, यही इसका मेन बेसिक डिफरेंस है। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग इट। इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी होती है, किसी भी एक शेल की कितनी कैपेसिटी होती है, तो पहला ऑर्बिट में शेल्स को नाम दिए जाते हैं ना, पहले शेल को के एल एम एन इस तरह से, तो पहले शेल का कितनी कैपेसिटी है, टू। एल एल शेल की कितनी कैपेसिटी है, एट, उसके बाद एटीन, उसके बाद थर्टी टू, ना विल भी नहीं, अगर एटीन है इसकी कैपेसिटी तो हमने इसको भी स्टेबल बताया है, टू एट एट, ऐसे भी करते हैं ना हम लोग, तो आठ में भी थर्ड में अगर एट भी रहे तभी भी वो स्टेबिलिटी बताता है, उतना अनस्टेबल वो नहीं होता, बट उसमें हम ज्यादा ऐड कर सकते हैं, ये एलिमेंट्स के लिए ज्यादा ऐड किए जाते हैं, जैसे एक तीन एलिमेंट्स की मैक्सिमम कैपेसिटी है, ओके। इसको निकालने का एक्चुअली फॉर्मूला भी है, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, 2n स्क्वायर, n मतलब k शेल, मतलब कौन सा शेल है पहला ना, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल, तो यहाँ पे 2 इंटू एन का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना, 1, दैट इज 2, देन 2 इंटू एन का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, देन अगेन 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 थ्री इज 9, 9 टू जा 18, देन 4 का स्क्वायर 2 इंटू 16, and 16 into 2, that is 32. So this is the method to find the electrons capacity in the shell. की shell में कितनी capacity है? तो जितना भी number of shell रहेगा, चौथा है या तीसरा है, उस हिसाब से हम उसकी capacity find out कर सकते हैं. Okay? I hope today's lessons are clear to you. Today's topics are clear to you. If you have any doubts, just write it down, note it down. And inshallah we will be having doubt solving lecture very soon. If you
have any doubts then. Thank you for now. Stay safe, students.